सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय दास है जी। कहाँ से आए हो? करौली राजस्थान से। संत रामपाल जी से कब से जुड़े हो? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 2010 में जुड़ा हुआ था। सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे कि लोगों को कहना है कि संत रामपाल जी के फॉलोअर्स जब भी देखते हैं या सुनते हैं तो कहते हैं कि जो भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी के ऊपर हैं, सभी कहते हैं कि संत रामपाल जी दुनिया बदलेंगे, संत रामपाल जी पृथ्वी पे स्वर्ग जैसा माहौल लाएंगे, तो ये किस तरह की बातें हैं? आपको क्या लगता है कि सही बातें हैं? जी ये बिल्कुल सही बातें हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणियाँ बहुत पहले ही हो चुकी हैं और बहुत सारी सत्य भी हो चुकी हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नास्त्रोद्रमस ने लिखा था कि एक ऐसा संत आएगा जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का झूठा मुकदमा लगेगा, जो कि बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खरा उतरता है। और उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले लोग उनका विरोध करेंगे और उसके बाद लोग उनके बताए हुए आदर्शों का अनुसरण करेंगे और उनका पूरे दुनिया में बोलबाला होगा। उसके बाद जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में भी यही प्रमाण मिलता है। जय गुरुदेव ने कहा था कि आज जो मैं बता रहा हूँ, आज जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक महापुरुष जो कि पूरे संसार का उद्धार करेगा और सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे, सभी लोग जो हिंदू हैं वो उनको भगवान के समान मानेंगे, जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना सच्चा रहनुमा उनको मानेंगे, तो वो संत भारत में जन्म ले चुका है और आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। जब जय गुरुदेव जी ने यह भविष्यवाणी की थी तो उस समय संत रामपाल जी महाराज पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे, क्योंकि उनका जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ था। तो इससे भी ये साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज भारत में और भी संत हैं, जैसे कि आसाराम बापू हैं, या फिर भविष्यवाणियों की बात की जाए तो गायत्री परिवार के जो हैं उन वो भी कहते हैं कि भाई ये विश्व भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। तो बहुत सारे संत हैं और अपने अपने गुरुओं को भविष्यवाणियों पर फिट करते हैं। आजकल की भारत की मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी पे फिट करती है, तो आप कैसे कहोगे कि संत रामपाल जी पे ही भविष्यवाणियाँ फिट हो रही हैं? जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर साहब, एक जो लोग अभी नहीं इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि कबीर साहब स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि कबीर साहब एक बहुत महान संत हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि कलयुग बीते 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कि उन्होंने ये कहा था कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तो मेरा ये वचन सत्य होगा कि पूरी दुनिया में केवल एक भक्ति रहेगी और कोई भी भक्ति इस संसार के अंदर नहीं रहेगी, एक सच्चा मार्ग यहाँ पर चलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो शास्त्रों के अनुसार, सर हम शास्त्रों की तो बात कर ही नहीं रहे ना, भारत की मीडिया नरेंद्र मोदी को देश का विश्व का गुरु बता रही है कि नरेंद्र मोदी विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, जैसा कि दिख भी रहा है वो प्रधानमंत्री पद पर हैं। संत रामपाल जी के फॉलोवर्स कहते हैं कि संत रामपाल जी दुनिया को बदलेंगे, जबकि संत रामपाल जी जेल में हैं, तो ये कहीं गलत बातें नहीं लगती हैं कहीं पर? जी कोई भी बात हम कहते हैं तो उसको सत्य मानने का कोई पैमाना होता है, तो अगर हम माने कि नरेंद्र मोदी दुनिया को बदलेंगे तो इसके लिए क्या पैमाना है, उनके किस आधार पर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया को बदलेंगे, क्या पैमाना आप मानते हैं? ये तो मीडिया दिखाता है ना कि वो 20 वर्ष तक राज करेगा, 2020 तक उसका पूरी पृथ्वी कई सालों तक उसका राज रहेगा, सबको पूरे हिंदू राष्ट्र बना देगा, नरेंद्र मोदी जैसा कर रहे हैं उसी तरह से चल रहे हैं। इस तरीके तो उसके पास क्या पैमाना है कि संत रामपाल जी नरेंद्र मोदी पे जो भविष्यवाणी संत रामपाल जी भविष्यवाणी सही हो रही हैं? जी भविष्यवाणियों के अंदर बहुत अंतर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर पूरी खरी उतरती हैं और किसी के ऊपर नहीं उतरती, क्योंकि नास्त्रोद्रमस ने यह कहा था कि जो महान संत आएगा, जो इस दुनिया का तारणहार होगा, उसकी माताएं 3 बहनें होंगी। तो संत रामपाल जी महाराज की माताएं 3 बहनें थी, और क्या नरेंद्र मोदी की माताएं 3 बहनें हैं? उसके बाद नास्त्रोद्रमस ने यह कहा था कि वो संत उस जगह पर जन्म लेगा जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 5 नदियाँ जहाँ पर बहती हैं पंजाब प्रांत के अंदर हुआ था, जो कि बाद में विभाजन होकर के अब हरियाणा प्रांत बना है। जिस समय संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ था तो उस समय वो पंजाब प्रांत ही था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खरी उतरती हैं। उसके बाद फ्लोरेंस नाम के एक भविष्यवक्ता है जिन्होंने यह कहा था कि जो महान संत है उसको मैं अभी अपनी साधना के द्वारा मैं उनको देख पा रही हूँ, और मैं ये देख रही हूँ कि वो अपने कल्याणकारी विचारधारा से पूरे संसार को चमत्कृत कर रहे हैं, और उस संत
के सिर पर सफ़ेद बाल हैं, उनकी न दाढ़ी है न मूछ है, तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और पुख्ता मजबूत करती है कि संत रामपाल जी महाराज के सिर पर सफ़ेद बाल हैं और न दाढ़ी है न मूछ है। ठीक है,